मम्मी का कॉल आया था। डिनर के लिए आए हैं और ये हमारा रूम है। ये ओम पढ़ाई लिखाई कर रहा है यहाँ पे बैठ के। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करेंगे सुबह 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से। और आज हम जा रहे हैं जयपुर। तो आज हम जयपुर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हम सब आपको अपडेट देंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब हम निकल चुके हैं घर से, पार्किंग की तरफ जा रहे हैं अपनी गाड़ी। ओ डॉगी, ओ इज प्लेइंग। और पार्किंग में हमें एक डॉगी मिल गया प्ले करता हुआ ओम के साथ। चलो कार, हम अपनी कार की तरफ आ गए हैं फाइनली। हम सामान रख रहे हैं, सामान पीछे डिग्गी में रखोगे ना। ये बैग जो है ना उनके पास जो था रेड वाला वो उसमें रखना, फ्रंट साइड सीट में, डिग्गी में मत रखना। और ये हमारे पतिदेव ड्राइविंग करते हुए बड़ा स्माइल, OMG। और हम निकल चुके हैं घर से, समय बिल्कुल 12:30 हो रहा है साढ़े। और ये हमारी सोसाइटी, वडा क्लीन सोसाइटी मंदिर। जय माता दी, जय माता दी। प्लान नहीं था वैसे जाने का कहीं पे भी, अब लगा कि थोड़ा छुट्टी है, दो दिन कहाँ स्पेंड करें, तो बस जयपुर जो था वो थोड़ा नियर बाय है, तो हमने सोचा चलो इसको ही डिस्कवर करते हैं। तो देखते हैं आगे कैसा लगता है जयपुर। हम कहाँ जा रहे हैं? रेलगाड़ी में चलो, रेलगाड़ी में बताओ रेलगाड़ी कहाँ से लाए इसके लिए। हम ट्रेन में जाना है। ट्रेन में हम चलेंगे फिर कभी, ठीक है। रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा, और हमारी गाड़ी बीच में फंस गई थी क्योंकि हम रॉन्ग साइड चले गए थे। और हम चले गए थे पलवल की साइड में, बट हमें जाना था जयपुर वाले रोड पे, तो वो दो रोड थे तो हम राइट साइड वाले में चले गए जो पलवल की तरफ जा रहा था। तो हमने वहाँ पे भी बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी करी, 3-4 लोग आ गए थे, उन्होंने हमारी गाड़ी को उठाया उन्होंने प्रॉपर, फिर इधर की तरफ ले गया है, तब जा के हम यहाँ चले हैं। और अब हम यहाँ पे चल के हमें ट्रैफिक मिल गया है, और वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। फाइनली रोड खुल चुका है और हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब हमें भूख लगी है तो हम कोई देखते हैं कोई ढाबा मिल जाए तो हम वहाँ पे खाना खाएंगे। फिर रुके हैं रजवाड़ा फूड कोर्ट, फाइनली हम यहाँ पे खाएंगे जो खाना होगा। चलो चलो, वी आर गोइंग फॉर लंच। वेयर? ओम, we are going for papa om, let's go।
आप हाँ जी कैसा है खाना? खाना बहुत टेस्टी है। क्या मंगवाया है? क्या क्या ऑर्डर किया है? मक्के की रोटी सरसों का साग। कैसा है? डिलीशियस। खा रही हूँ। मजा आ रहा है। ये क्या है? ये मैंने ओम के लिए बिना मिर्ची की दाल मंगवाई थी, क्योंकि बिना मिर्ची की दाल खाएगा ठीक है तो खाएगा नहीं। तो इसे मिर्ची खानी सिखाओ ना, फिर सिखाते क्यों नहीं हो? इसकी माँ ने भी सीखी बचपन में मिर्ची खानी, वो बड़े होकर सीखा है तो वो वैसे तो करेगा ना। तो काटो देख रहे हैं। खा के हम निकल चुके हैं रजवाड़ा रेस्टोरेंट से। काफी अच्छा खाना लगा यहाँ का। फुल एनर्जी आ गई है अब मेरे अंदर। आपके अंदर आई एनर्जी नहीं आई खाना खा के? मेरे अंदर तो पहले भी थी, बट मेरा तो पेट में क्रैम्प्स हो रहे थे भाई साहब, इतने तगड़े वाले। मुझे खाना खिला था पहले, तो फाइनली हमने खाना खा लिया है। अब हम निकल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। मिलते हैं थोड़ी देर में। रियलिटी को एक्सेप्ट कर रही है, ग्राउंड लेवल की लोग वो चीज़ पसंद आती है। आपको समझ नहीं आता यार, बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत ज्यादा ही। हम दोबारा ट्रैफिक में फंस गए यार। हाँ, क्योंकि क्या है ना, दिल्ली से जब राजस्थान जाते हैं तो बीच बीच में उन्होंने क्या है, कुछ कंस्ट्रक्शन बनी का काम चल रहा है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, तो उसकी वजह से क्या ना लंबा लंबा लोगों को वेट करना पड़ रहा है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा जो है लाइन में लगना पड़ रहा है। तो और आज वैसे भी वीकेंड है तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये जगवास है कोई बहरोड गांव के आसपास का, बहरोड का एरिया है ये, तो यहाँ पे भी इन्होंने पूरा सड़क को खोदा हुआ है, तो उस तरफ भी ट्रैफिक उतना ही जाम है, इस तरफ भी ट्रैफिक उतना जाम है। हमारा आधे पौने घंटे के बाद अभी नंबर आया है, तो जस्ट अभी सड़क खाली है, तो अभी स्मूथ चल रही है। बहुत कुछ ज्यादा खोदा हुआ है, देखो देखना पूरी सड़क खोदी पड़ी है, देखो ये कहां से निकलेगा बंदा। पुल बन रहा है ना ये, या तो सड़क बन रही है या पुल बनेगा, सड़क ही बन रही है। क्या यार ये मतलब दिमाग खराब कर रखा है। ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। मुंबई जाना है जिसको 1162, अजमेर 125, जयपुर सिटी तो 4 किलोमीटर है। हम जयपुर फाइनली आ चुके हैं और सिर्फ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है जयपुर सिटी, और हमारा होटल भी यहाँ से मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर दूर होगा बस। और हम मोस्टली पहुँच जाएंगे, होटल हमने घर पे ही बुक कर दिया था जाए, और हमें सही मिला होटल, अच्छा भी है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीजें होटल की। जर्नी को एंजॉय करने का एक सही रास्ता है, और ठीक है बीच बीच में रास्ते खराब थे पर ठीक है, अब लग रहा है कि यार ठीक है सब। और हमारा होटल यहाँ से दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है, बस पहुँचने वाले हैं कुछ देर की दूरी, इंतजार करना जरूरी। पार्किंग तो इधर ही दे रखी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, एरो बनाया है। हाँ तो ये स्पेस था ना यहाँ पे पीछे की साइड।
Yes, Om. Daddy. Yes. Mama bana rahi hai. Good job. Kya bana rahi hai, beta? और हम जा रहे हैं चेकिंग करने. यस ओम बिग प्लेग्राउंड. और अब हम जाएंगे रिसेप्शन पे अपनी की लेने. वो तो आपके पास ही है ना स्क्रीनशॉट. हो रही है हमारे होटल में ही, क्योंकि रिसेप्शन पे हमें बोला था कि अगर आपको डिनर करना है तो आप डिनर ऊपर कर सकते हैं और नीचे हमने पार्टी भी ऑर्गेनाइज करी है. तो वो आप पार्टी भी क्रिसमस की भाई क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करी है तो हम आप उसको भी ज्वाइन करेंगे. तो बस फिर हम रेडी होते हैं और फिर हम निकलते हैं पार्टी की तरफ. आ जाओ डिनर के लिए आए हैं और यहाँ पे कई ऑप्शन है, बफेट में भी हैं, सैलेड भी ऑप्शन भी है, रायता. सिटिंग अरेंजमेंट भी है, आप यहाँ पे बैठ के खा सकते हो. और क्या कर रहे हो आप? मेन्यू में है कढ़ाई पनीर, चिली पनीर. बैठे बैठे उस मॉर्निंग में, क्या करना है, लोकल घूमना है बाहर? कह रहे चलो जयपुर चलते हैं. मैंने कहा चलो जयपुर चलो. अभी तो आए हैं थोड़ी देर, कपड़े वपड़े चेंज करे हैं, खाना खा रहे हैं, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे फिर जाएंगे ऊपर. हाँ सारा भी करेंगे, देख लिया है कुछ, देख लेंगे हम तो. हाँ कोई दिक्कत नहीं है. चलो ठीक है मम्मी, देख लो तुम बिग बॉस. हेलो गाइस, डिनर हमारा हो चुका है और डिनर करके हम अपने रूम में आ गए हैं. और ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रही सुबह से लेके अब तक की, पूरा दिन बहुत अच्छा रहा. और अब हम कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट. शबक है.